गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 12 के मैथ के टेस्ट मैथ में आपको हम सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा के विषय में बताएंगे। तो फर्स्ट हम आए हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अगर बिना महत्वपूर्ण जानकारी जाने ही अगर हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके महत्वपूर्ण यानी इसके कुछ टॉपिक्स हैं उन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमें सदिश बीजगणित के सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हम जानना चाहते हैं सदिश दो चीज होता है, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। क्या होता है? एक स्केलर होता है, यानी वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। क्या कहते हैं? सदिश। और स्केलर को क्या कहते हैं? अदिश। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को एक परिभाषा के अनुसार समझते हैं। क्या समझते हैं? अगर जानते हैं सदिश, मतलब क्या होता है? जानकारी। मतलब क्या होता है? जानकारी। यानी सदिश को हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। इसमें विभाजित करते हैं सदिश को स प्लस दिश, सब सब जानकारी हो गया और दिश मतलब क्या हो गया? दिशा। दिश मतलब दिशा, सदिश से करते हैं जिसमें दिशा की जानकारी। आसान में बात समझे, स मतलब जानकारी, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा की जानकारी हो उसे क्या करते हैं? सदिश करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, उस राज को जैसे अगर हम बल लिखे तो बल राज के ऊपर क्या होता है? तीर का निशान आता है। तीर का निशान क्या होता है? इसके दिशा के बारे में बताता है। तीर का निशान क्या करता है? इसके दिशा के बारे में बताता है। दूसरी चीज क्या है? अदिश। आ मतलब अज्ञान, आ मतलब अज्ञान, मतलब जिसकी जानकारी नहीं हो। आ मतलब अज्ञान, नहीं जानकारी ना हो। दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा की जानकारी ना हो वह क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। जैसे चाल, अरे कह दिया जाए चाल है तो चाल क्या है? अदिश है, क्योंकि हमने कह दिया अगर आपको कह दिया कि आप वह गाड़ी यानी किसी गाड़ी को कह दिया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह चल रही है, अब किसी दिशा में चल रही है उसका कोई पता नहीं है। अगर उसकी दिशा की जानकारी होती तब तो हमें पता चलता कि हम अदिश का, जब दिशा की जानकारी नहीं है तो कौन सा कार्य होगी? अदिश होगी। अगर इसी को हम कह देते 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उत्तर में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिशा का ज्ञान है। अगर दिशा का ज्ञान नहीं होता तो वह चाल हो जाता, और दिशा का ज्ञान है तो वह क्या हो जाएगा? वेग। जब दिशा का ज्ञान है तो कौन सी राशि हो गई? सदिश हो गई। और जब दिशा का ज्ञान नहीं है तो कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। तो इसी तरह से आज का जो चैप्टर हमारा है सदिश बीजगणित, यानी उसमें क्या हमें पढ़ना है? वेक्टर पढ़ना है, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जिसके दिशा की जानकारी होती है, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जिसके दिशा की जानकारी होती है। अब बात आती है सदिश, तो सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार देखिए तो भिन्न भिन्न किताबों में बहुत बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, लेकिन हम आपको चार या पांच इंपॉर्टेंट प्रकार बताते हैं जिससे आपका चैप्टर सॉल्व हो जाता है। पहला क्या होता है? शून्य सदिश। क्या होता है? शून्य सदिश। पहला क्या कहते हैं? शून्य सदिश। दूसरा क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। क्या होता है? मात्रक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश को कहीं कहीं इकाई सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई सदिश। अब तीसरा क्या होता है? समांतर सदिश। क्या होता है? समांतर सदिश। चौथा क्या होता है? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। ठीक है, और एक पांचवा होता है समदिश सदिश। ठीक है,
हम पांच के पांच सदिशन पढ़ेंगे, यानी पांच वेक्टर के विषय में पढ़ेंगे। पहला क्या है? शून्य सदिश। दूसरा क्या है? मात्रक सदिश, जिसको कहते हैं इकाई सदिश भी कहा जाता है। तीसरा क्या है? समांतर सदिश। चौथा क्या है? विपरीत सदिश। और पांचवा क्या है? समदिश सदिश। तो सदिश अब पढ़े तो शून्य सदिश मतलब जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, कौन सा सदिश कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। मात्रक सदिश या इकाई सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। इसका परिणाम क्या हो? एक हो, इकाई सदिश कहलाता है। एक मल्ली वन एक नहीं, एक दो तीन हो, केवल परिमाण क्या हो? एक हो, तो उसके रूप में क्या कहते हैं? इकाई सदिश कहते हैं। समांतर सदिश क्या होता है? जब दो दो सदिश मान लेते हैं, दो सदिश है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। जब दो सदिश के बीच की दूरी समान हो, यानी इन दोनों के बीच की दूरी समान हो और इनकी दिशा भी समान हो, तो वह कौन सा सदिश कहलाता है? समांतर सदिश कहलाता है। तो समांतर कैसे हम समझेंगे? समांतर को दो भागों में बांट देते हैं। क्या कह देते हैं? समघन अंतर, यानी समान अंतर। दो सदिशों के बीच यदि अंतर समान हो तो वह सदिश क्या कहलाता है? समांतर सदिश कहलाता है। विपरीत सदिश क्या होता है? एक सदिश का उल्टा। एक सदिश का उल्टा मतलब अगर हमने सदिश ए खींच दिया है तो एक सदिश ये है तो इसका उल्टा मतलब जिस दिशा में जा रहा है इसके विपरीत दिशा में है तो इसके विपरीत दिशा में चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? माइनस ए सदिश। इसको ऋणात्मक सदिश भी कहीं कहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक सदिश। यानी ए क्या हो रहा है? ए का विपरीत सदिश, यानी विपरीत दिशा में, जिस दिशा में ए की दिशा थी उसके विपरीत दिशा में ए का सदिश होता है तो वह कौन सा सदिश होता है? विपरीत सदिश होता है। ठीक है, अब चौथा क्या हमारा है? समदिश सदिश। क्या है? समदिश। तो समदिश को हम समझ लेते हैं उसकी उसकी ही भाषा से समदिश। तो समदिश को दो भाग में बांट दें, एक सम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? दिश। सम का मतलब क्या होता है? समान होता है और दिश का मतलब दिशा होता है। तो यानी ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं क्या होती है? समान होती है। ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं क्या होती है? समान होती है, वह कौन सा सदिश कहलाता है? समान दशित सदिश कहलाता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं सदिशों का जोड़ घटाना गुणा। तीन, सदिशों का जोड़ घटाना और गुणा। सदिशों का जोड़ घटाना और गुणा, तो आप और अच्छे से समझ जाइए। सदिशों का पहले हम क्या पढ़ते हैं? सदिशों का योग। क्या पढ़ते हैं? सदिशों का योग। इसके दो नियम, इसके कितने नियम है? दो नियम। पहला क्या नियम है? त्रिभुज नियम है। त्रिभुज विधि क्या है? त्रिभुज विधि। दूसरा क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम है। समांतर चतुर्भुज का नियम है। समांतर चतुर्भुज का नियम है। कितने सदिशों का? ये दो सदिशों का योग है। कितने सदिशों का है? दो सदिशों का योग है। लेकिन अगर दो से अधिक हो तो बहु सदिशों का योगफल, बहु सदिशों का योगफल, बहु सदिशों का योगफल का केवल एक ही है। क्या है? बहुभुज विधि। क्या है? बहुभुज विधि, यानी बहुत विधायक की जानकारी है। ठीक है, तो कौन कौन सा सदिश है ध्यान देखते हैं। दो सदिशों का योग फल में दो विधियां हैं, त्रिभुज विधि, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम। और दो से अधिक सदिश हैं उनके योग फल की विधि क्या है? बहुभुज विधि। तो आज हम केवल पढ़ेंगे त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में क्या होता है मान लेते हैं, ध्यान देखिएगा। त्रिभुज विधि में योग फल के लिए मान लिया हमने दो सदिश है,
एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, क्या है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो त्रिभुज विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, तो त्रिभुज विधि अगर करना हो तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए को खींचेंगे, पहले किसको खींचेंगे, वेक्टर ए को खींचेंगे। अब इसके बाद में जहां पर बाहर का तीन जो तीर का निशाना है, इसके तीर के निशान से वेक्टर बी को खींचेंगे, यानी वेक्टर बी जिस दिशा में है उसी दिशा में वेक्टरों को खींचते चलेंगे। तो जब वेक्टर ए खींचा फिर उसके तीर से क्या खींचा, वेक्टर बी को खींचा। अब क्या करते हैं, वेक्टर ए के पुंज भाग को वेक्टर बी के तीर भाग से मिला देते हैं, यह वेक्टर आर हमारा क्या कहता है, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। अब यहां से अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा कि दो सदिश यानी समान दिशा हो गए ना, इसी दिशा में भी चले इसी दिशा में भी चले, तो दो सदिश सदिशों का योगफल एक विपरीत दिशा होती है, इन दो समान दिशाओं का योगफल एक विपरीत दिशा होती है, ठीक है। जैसे बताते हैं त्रिभुज विधि में क्या काम है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अब वेक्टर ए और बी को जोड़ना है तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम वेक्टर ए को खींचते हैं, फिर उसके बाद से वेक्टर बी को खींचते हैं। अब पहले वेक्टर ए के पुंज भाग को वेक्टर बी के बाह्य भाग से मिला देते हैं, तो जो प्राप्त सदिश होगा वह क्या कहलाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। अब अगर इसके बहुभुज भुजाओं की बात हो, बहुत से सारे भुजाएं हैं, दो से अधिक भुजाओं के ऊपर के बारे में बताएं, दो से अधिक के लिए देखते हैं क्या है, यही फार्मूला रहेगा उसके दिख के लिए। अब सपोज दैट हम बात करते हैं, ध्यान देखिए कि वेक्टर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ठीक है, और वेक्टर डी है, ये चार वेक्टर है, इनसे भी अब कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसकी भी साधारण विधि है, क्या है, पहले हम यही अगर निकालना हमें वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी जिसको जिस क्रम में जोड़ना है उसको उस क्रम में हम खींचते चले जाए, पहले क्या लिखा है वेक्टर ए, पहले वेक्टर ए की दिया, फिर क्या लिखा है वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी की दिया, फिर क्या है वेक्टर सी, फिर वेक्टर सी की दिया, फिर क्या है वेक्टर डी, फिर वेक्टर डी की दिया, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं तो वेक्टर आर हो जाएगा, वेक्टर आर क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या बहु सदिशों के योगफल की क्या हो गई, बहुभुज विधि हो गई, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम, तो समांतर चतुर्भुज का नियम हम कल पढ़ाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें चैप्टर वन के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आप लगा लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।